चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी सिनेमा का एकमात्र इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड इस बार फिर से मलेशिया में 21 जुलाई 2018 को होगा। जी हां, आपको बता दें कि इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड का डेट अनाउंस कर दिया गया है। आपको बता दें कि यशी फिल्म्स और संघ आर्ट के साथ साथ ढिशुम इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड मलेशिया में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी यशी फिल्म्स के मालिक अभय सिन्हा ने बताया है कि इस अवार्ड समारोह में भोजपुरी फिल्मों के मेगा स्टार रवि किशन, मनोज तिवारी और हिंदी फिल्म के सुपरस्टार सुनील सेट्ठी के साथ साथ भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, विनय आनंद, कृष्णा अभिषेक, अरविंद अकेला कल्लू, ऋतु पांडे, मधु शर्मा, मोनालिसा, आम्रपाली दुबे, अक्षरा सिंह जैसे अनेक एक्टर इस अवार्ड शो में शिरकत करेंगे। इस अवसर पर भोजपुरी सिनेमा में योगदान देने वाले कुछ वरिष्ठ अतिथियों को भी सम्मान दिया जाएगा। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और सर्वश्रेष्ठ कलाकार के साथ साथ टेक्नीशियन को भी सम्मान दिया जाएगा। अभय सिन्हा ने भोजपुरी फिल्मों में गाने में आई अश्लीलता पर चिंता जताई हुए उन्होंने कहा है कि हमारे अवार्ड समारोह में सिर्फ और सिर्फ अच्छे ही फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, यानी कि अच्छी फिल्मों को ही सिर्फ अवार्ड दिया जाना है। आपको बता दें कि पिछले साल भोजपुरी इंटरनेशनल अवार्ड लंदन में आयोजित किया गया था। इसमें भोजपुरी के इंडस्ट्री के लोगों के साथ साथ हिंदी फिल्मी हस्तियों ने भी जबरदस्त रंगारंग कार्यक्रम भोजपुरी दर्शकों को पेश किया था और अपने भोजपुरी फिल्म जगत को विश्व पटेल भोजपुरी का उद्योग पूरा विदेश में लहराया था। We'll be right back.